नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभास शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पीलीभीत सीट से अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है, लेकिन चर्चा है कि भाजपा इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। इन्हीं चर्चाओं के बीच पीलीभीत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने पीलीभीत से सांसद के नामांकन का पर्चा खरीदा है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि दिल्ली से आए थे, उन्होंने 4 सेट नॉमिनेशन पेपर खरीदे और दिल्ली चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वरुण गांधी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पीलीभीत से पर्चा दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर भाजपा ने पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया तो इस बात की पूरी संभावना है कि वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर सकते हैं। हालांकि लोकसभा सीटों पर नाम को लेकर अभी पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी बाकी है। इस बैठक में तय होगा कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश स्तर के सभी भाजपा नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक में वरुण गांधी को टिकट दिए जाने का विरोध किया। बता दें, पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो चुके, लेकिन अब तक भाजपा और सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले। आपको बता दें कि वर्तमान में इस सीट से वरुण गांधी सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वरुण गांधी राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों का कई मौकों पर विरोध करते हुए नजर आए हैं, जिससे बीजेपी से उनकी नाराजगी जग जाहिर है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पीएम मोदी की पोस्ट को रिपोस्ट करते रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी से वरुण गांधी को टिकट मिलती है या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।